हेलो फ्रेंड्स, करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी हमने जो मैथ्स की सीरीज़ शुरू की हुई है, तो आज वर्क एंड टाइम चैप्टर का हमारा ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले जो दो वीडियो हैं उसमें हमने इसके पहले से लेके पांचवी टाइप तक क्वेश्चन किए हुए थे, जिसमें हमने बेसिक के साथ साथ ट्रिकी मैथ्स का भी ध्यान रखा है। और आप जो भी नए स्टूडेंट अभी हमसे जुड़ रहे हैं, वो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जितने भी नोटिफिकेशन हैं आपको मिलते रहे। और अगर कंटिन्यू आप सारे वीडियोस को देखते जाएंगे, तभी आपको अगला वीडियो समझ आएगा, क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज जो हमारा ये तीसरा वीडियो है वर्क एंड टाइम का, उसमें आज हम शुरुआत करें टाइप सिक्स से। जो टाइप सिक्स है, इसका नाम हमने दिया हुआ है कि अगर कुछ लोग कार्य कर रहे हैं और बीच से ही, जैसे जब बीच से ही कोई कार्य छोड़कर चला जाए। देखिए, इस पूरे चैप्टर का जो सबसे महत्वपूर्ण टाइप कहा जा सकता है वो यही है, क्योंकि इसमें मोस्ट टाइम स्टूडेंट को हमेशा आप देखेंगे कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो आइए हम लोग इसके कई मेथड है, सारे मेथडों को देखेंगे और किस में सबसे कम समय लगता है आप खुद भी उसमें डिसाइड करेंगे, और उससे हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे हैं। जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ इस टाइप में, लिखा है कि ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं और 4 दिन के बाद, देखिएगा ध्यान से, 4 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तो बताइए पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अब समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, तो इसमें मेन इसके कहने का ये है, मतलब कि एक तो ए है, पहले जितना दिया हम लोग उसको क्या करें, पहले नोट कर लेते हैं। देखिए जो ए है वो 10 दिन में कार्य को करता है, और जो बी है वो इस कार्य को कितने दिन में करता है, 15 दिनों में। ठीक है, और फिर इसके बाद कार्य दोनों एक साथ मिलकर शुरू करते हैं। तो पहले तो हम लोग एलसीएम निकाल के इनके एक एक दिन का यूनिट पता कर लेते हैं, जो कि हमने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो 10 और 15 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 30। तो हमने मान लिया कि टोटल कितना कार्य है, 30 यूनिट हमें कार्य कराना है। तो पहले इनके एक एक दिन का यूनिट पता कर लेते हैं कि एक दिन में ये कितना कार्य करते हैं, यानी इनकी क्षमता कितनी है। तो ये इससे करेंगे तो 10 से करेंगे तो 3 बार में 10 30, यानी एक दिन में वो 3 करता है तो 10 दिन में 30 कर देगा। बी की एक दिन की क्षमता कितनी है, तो ये 15 दिन में 30 कार्य करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 2। यहाँ तक तो आप लाके छोड़ दिए। अब आते हैं फिर से इस क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला है कि दोनों एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, एक साथ यानी ए और बी दोनों एक साथ मिल गए और कार्य को शुरू किया कि जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। लेकिन बीच रास्ते में एक ने धोखा दिया इसमें, कौन, ए। ए ने बोला है कि ए 4 दिन के बाद कार्य छोड़कर चला जाता है, यानी जब ये दोनों शुरू करते हैं कार्य को करना तो 4 दिन तक तो साथ रहते हैं, और 4 दिन के बाद कौन छोड़ दिया काम, ए। तो बचा कौन है, बी, और वो लास्ट तक कार्य किया क्योंकि तभी काम ख़त्म होगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो शेष कार्य है, शेष कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, बी के द्वारा। तो अब आपको यही पता करना है। तो देखिए एकदम सीधा सा इसका मेथड है कि ए और बी जब एक साथ कार्य करेंगे, तो आप भी देख पा रहे हैं कि अगर दोनों एक साथ आएंगे तो 3 और 2 5, यानी दोनों मिलके एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 5। तो 4 दिन में कितना करेंगे, तो ये देखिए 4 है, उसमें 5 से करेंगे तो 4 5 20। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ने 4 दिन में कितना कार्य किया है, 20 यूनिट कार्य किया, और करना हमको कितना है, फाइनली हमें करना है 30, यहाँ तक पहुँचना है। तो 30 में से 20 कार्य तो 4 दिन में हो चुका है, अब बचा कितना, तो शेष पता करना। तो अब क्या करेंगे, 30 में से इस 20 को माइनस करेंगे, बचा कितना, 10, यानी ये 10 कार्य अब अकेला कौन, बेचारा जो बी बचा हुआ है उसे करना है। तो बी को 10 कार्य करना है, तो कैसे करेगा, जितनी उसकी क्षमता उस हिसाब से करेगा। तो बी एक दिन में कितना करता है, 2 कार्य, तो बताइए 10 कार्य कितने दिनों में करेगा, तो 10 कार्य कितने दिनों में करेगा, तो 2 से आप भाग देंगे, 2 5 10, यानी वो नेक्स्ट 5 डेज में वो कार्य को क्या करेगा, फिनिश। तो यहाँ से 10 कार्य ये किया, 20 ये, टोटल 30 कार्य हो गया, लेकिन हमें बताना है कि कुल कितना दिन लगा। तो देखिए जब दोनों साथ थे तो कितना दिन लगा था, 4, और उसके बाद बी अकेला कितने दिन लिया है, 5। तो हम कहेंगे इस पूरे कार्य को होने में कितना टाइम लगा, 4 + 5 कितना दिन लगा, 9 दिन, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। कभी भी कोई एक साथ कार्य शुरू करे,
उनके एक एक दिन का यूनिट पता कर लीजिए, जितने दिन साथ कार्य करते हो उसको जोड़ लीजिए, और इसके बाद दिन का गुणा करके टोटल काम निकाल लीजिए। फिर जो भी कार्य बचता है उसको टोटल में से माइनस कर लीजिए, जिसको करना है उससे उस कार्य को करने दीजिए, भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा कार्य कितने दिन में कंप्लीट हुआ। हो सकता है किसी क्वेश्चन में कटे, किसी में हो सकता है डिजिट ना कटे, तो फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है और कम्प्लीटली भी आंसर आ सकता है। ये तो इसका एक मेथड हुआ। देखिए, इसको हमने कहा कि ये पहला मेथड था, आइए इसको एक और मेथड पे हम लोग करते हैं। देखिए जो इसका सेकेंड मेथड हम लोग देखेंगे उसको ऐसे कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है कि इतना तक तो आपने कर लिया, हमें टोटल 30 यूनिट काम करना है। अब इसमें बोला कि दोनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं और चार दिन के बाद कौन जाता है, ए। आपने क्या करना है, जो इसमें जा रहा है उसको कह दीजिए कि आप अपने हिस्से का काम करके चले जाओ, क्योंकि एक जो बच रहा है वो शुरू से लेकर लास्ट तक तो काम कर ही रहा है, जितना काम होगा उसी से हम करा के देख लेंगे कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा। जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है समझिए, ए और बी शुरू करते हैं और ए भाग जाता है कार्य छोड़ के, तो लास्ट तक तो बी बचा है, यानी बी शुरू से लेकर अंत तक है, तो बी अपने ही जितनी उसकी क्षमता है उस हिसाब से शुरू से लेकर लास्ट तक वो कार्य किया होगा। तो इसको हम ऐसे करते हैं, ठीक है। देखिए बोला है, अब इसको मैंने यहाँ मिटा दिया, और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि चार दिन बाद कौन चला जाता है, चार दिन के बाद कौन कार्य छोड़ देता है, ए। तो हमने कहा सीधा ए के हिस्से का कार्य खत्म कर दिया जाए, तो ए एक दिन में कितना करता है, तीन, तो चार दिन में कितना करेगा, चार दिन में कितना करेगा, बारह। ए अपने हिस्से का कार्य करके चला गया, बारह वो कार्य करके चला गया, तो हमें टोटल करना कितना, यहाँ पे हमने लिख दिया कि टोटल, टोटल हमें कार्य करना है तीस, उसमें से ए अपने हिस्से का करके चला गया तो हमने कर दिया माइनस बारह, तो बचा कितना, अठारह। अठारह कार्य है जिसको किसने किया है, शुरू से लेकर लास्ट तक किसने किया हुआ है, बी ने, तो बी को अठारह कार्य करना है, तो अपने क्षमता के अनुसार करेगा। बी की क्षमता कितनी है, दो, एक दिन में दो यूनिट करता है, तो अठारह कार्य कितने दिनों में किया होगा, तो अठारह बट्टे में दो, यानी दो नौ के अठारह। तो आप सीधा कह सकते हैं कि जो बी है वो लास्ट तक कितने दिनों में कार्य किया है, नौ, तो नौ अब आपका क्या होगा, ये सीधे आंसर हो जाएगा पूरा। क्यों, क्योंकि हमने ए के हिस्से का, वो दोनों के कॉम्बिनेशन वाला नहीं, ए ने अकेले चार दिन में कितना किया है, बारह, बारह हमने हटा दिया, बचा कितना था, अठारह, अठारह शुरू में भी बी रहा होगा तब किया होगा और बाद में भी, तो हमने कहा बी का पूरा डायरेक्ट कर देते हैं कितने दिनों में, तो उसने कितने दिनों में किया, अठारह, दो नौ के अठारह, यानी नौ दिनों में कार्य खत्म, यानी पूरा कंप्लीट कार्य कितने दिनों में हुआ है, नौ दिनों में। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। आइए अब क्या करते हैं कि हम इसी क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन इसी पे ले लेते हैं। देखिए मैं बस डिजिट चेंज कर रहा हूँ, देखिए वहाँ पे एक बार मैं इसी मेथड से डायरेक्ट बता देता हूँ आपको कि और भी क्लियर हो जाएगा ये। देखिए जैसे इसमें दिया हुआ है कि अंक बदल देते हैं यहाँ पे, एक किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को, मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया, बी उसी कार्य को 40 दिनों में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, चार दिन के बाद है, मैंने लीजिए यहाँ पे अंक बदल दिया, मैंने लिख दिया 12 दिन, 12 दिन के बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है, तो बताइए कार्य पूरा कितने दिनों में समाप्त हुआ, करें इसको आप लोग। देखिए इसको हम लोगों ने कैसे करना है, एक किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त करता है और जो बी है वो 40 दिनों में। सबसे पहले तो आप बताएं एलसीएम कितना होगा इसका, लॉस ऑफ, तो 30 और 40 का कितना हो जाएगा एलसीएम, ये होगा आपका 120। बड़ी संख्या के हिसाब से लिया जाता है कि जिससे दोनों अंक कट जाए, ठीक है। 120 यानी हमने कहा टोटल कार्य कितना है, 120 है, समझ से रहिएगा एकदम। पहले एक एक दिन का यूनिट निकाल लेते हैं, एक ही एक दिन की क्षमता कितनी है, 30 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये 40 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक है। अब कहा दोनों मिलकर एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं और 12 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, जो छोड़ के जा रहा है पहले उसको आप जाने दीजिए, जितना काम किया उसको जाने दीजिए, जो बचा है जो दूसरा है वो तो शुरू से लास्ट तक है ना, वो सीधे बता देगा कार्य कितने दिनों में हुआ है। तो देखिए ए जो है 12 दिन यानी 12 दिन तक एक कार्य करके चला गया है, तो ए की एक दिन की क्षमता कितनी है, 4, तो 12 दिन में कितना करेगा, 12 चौके 48, वो 48 कार्य करके जा चुका है और हमें टोटल करना है कितना है, 120। तो आप लिख सकते हैं कुल कार्य है 120,
जिसमें से 48 करके एक चला गया है, तो आप इसमें से माइनस क्या कर देंगे 48। अब इसको माइनस कर लेते हैं, देखिए 10 में से 8 गया, ये हो गया आपका 2, 9 यानी कि 1 हो गया, तो ये हो गया आपका 11, 11 में से 4 गया, ये हो गया आपका 7। ठीक है, यानी टोटल अब कितना यूनिट काम है, 72। और ये जो 72 यूनिट का कार्य है वो किसको करना है, बी को, क्योंकि एक तो छोड़ के जा चुका है, तो ये तो बेचारा शुरू से लास्ट तक है, तो हम सीधा 72 यूनिट्स इससे करा देते हैं। तो देखिए 72 कार्य को बी करेगा कितने दिनों में, तो 72 बी की क्षमता एक दिन की कितनी है, 3, तो सीधे बट्टे में 3, 3 से करेंगे, 3 दुना के 6, 3 चौक के 12, यानी कह सकते हैं कि 24 दिन में पूरा कार्य खत्म हो जाएगा। तो ये मेथड भी आपको बहुत सही लगेगा कि इसका यूज आगे जैसे से यूनिट बढ़ते जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेथड। वरना बाकी तो आपके पास है कि दोनों एक साथ थे तो 7 12 दिनों तक किया 84, उस हिसाब से माइनस करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने कहा इस नए मेथड में ये ध्यान रखिएगा, जो कार्य करके शुरुआत से जाता है उसको जाने दीजिए, जितना बचा है जो बंदा शुरू से लेकर अंत तक है उसी को करने दीजिए, आपको सीधे पता चल जाएगा कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा एक लेवल और बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो 2 लोग थे अब इसके जगह पे कर देते हैं 3 लोग। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या करते हैं कि इसी क्वेश्चन में एक सी को भी बुला लेते हैं, जैसा कि हमने पिछले 4-5 टाइम में उनको बुलाया हुआ था। तो अब अगर सी भी आ जाता है तो देखिए क्वेश्चन क्या बनता है। देखिए, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में करता है, जबकि सी उस कार्य को कितने दिनों में, 15 दिनों में पूरा कर सकता है। अब बोला है कि यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य प्रारंभ करें, जैसे पहले 2 थे अब 3, तीनों मिलकर एक साथ कार्य प्रारंभ करें और फिर 2 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, फिर उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, शेष कार्य सी के द्वारा पूरा किया जाता है, तो बताइए पूरा कार्य कितने दिनों में हुआ। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करना है तो हम लोग अपना वही दोनों मेथड यहाँ पे देखेंगे। देखिए ध्यान से समझते रहिएगा इसको। पहले तो हम कार्य करते हैं जैसे इसको हल करते हैं। देखिए ए कितने दिनों में करता है, 10। जो बी है वो इस कार्य को करता है 12 दिनों में, और जो सी है वो इसी कार्य को करता है 15 दिनों में। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो 10 12 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 60। ये तो आप समझ पा रहे हैं कि टोटल कितना कार्य करना है, 60। एक एक दिन का पता करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 6, इसका हो जाएगा 12 5 60, और इसका हो जाएगा 15 चौके 60। हमने तीनों का एक एक दिन का यूनिट पता कर लिया। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन हूबहू वैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। इसने क्या बोला, अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कार्य क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तीनों मिलकर कार्य शुरू कर दिए, और बोला है कि क्या बोला है, 2 दिन के बाद एक काम छोड़ के चला जाता है, यानी 2 दिन तक तो ये साथ थे तीनों, उसके बाद में ए गया है काम छोड़ के, तो 2 दिन के बाद जब ए जाएगा तो बचेगा कौन, बी प्लस सी, क्योंकि एक साथ शुरू किए, अब बचा कौन, बी प्लस सी। फिर बोला है उसके 2 दिन के बाद बी भी छोड़ के चला जाता है, तो देखिए तो 2 दिन के बाद बी जाता है तो कम से कम 2 दिन तक तो बी और सी साथ थे, अब बी भी छोड़ के चला गया, फिर से अकेला कौन बचा, सी। सी क्या करता है, कह रहा है कि सी जो है शेष कार्य को अकेले बेचारा कंप्लीट करता है। अब आप बताइए कि पूरा कार्य कितने दिनों में हुआ, पूरा कार्य कितना यानी 60, यानी यहां तक हमको 60 यूनिट करना है। तो देखिए क्या करते हैं, जो तीनों 2 दिन तक करते हैं तो इसको पहले जोड़ लेते हैं, 5, 4, 9, 6, 5, 11, 4, 15, ये 15 जो है तीनों एक साथ मिलते तो एक दिन में कितना करते हैं, 15, तो 2 दिनों में कितना करेंगे, 30, यानी यहाँ तक कितना यूनिट कार्य हो गया, 30। समझ पा रहे होंगे आप लोग। फिर इसके बाद देखिए बी और सी कितने दिन, 2, बी और सी करेंगे तो 5 और 4 कितना हुआ, 9, 9 इनकी क्षमता हो गई दोनों की, और कितने दिन तक किए, 2, तो कितना कार्य किया, 18। समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि देखिए 30 हो गया और यहाँ क्या हो गया, 18। अब शेष बचा किसके लिए, सी के लिए, तो सी के लिए कितना बचा पहले तो ये पता किया जाए। तो देखिए 30 और 18 कितना हो चुका है अब तक, 48, 48 कार्य हो चुका है और करना हमें कितना है, 60। तो कितना बचा, तो आप कह सकते हैं कि 60 माइनस 48, इसको जब आप माइनस करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 10 में से 8 गया, ये हो गया आपका 2, और ये 5 में से 4 गया 1, यानी 12 कार्य बचा हुआ है, और 12 कार्य किसको करना है, सी को।
तो सी की एक दिन की क्षमता कितनी है? चार। तो 12 कार्य कितने दिनों में करेगा? चार या 12, 3 दिनों में करेगा। तो आप कह सकते हैं 12/4, ये काट दिए तो ये कितने दिनों में? 3 दिन। 3 दिन में करेगा और पूरा 60 हमारा कार्य हो गया। पूछा क्या है, पूरा कार्य कितने दिनों में हुआ? अब ध्यान देंगे यहाँ पे, देखिए शुरू में कितने दिन में थे कार्य? 2, फिर अगले 2 दिन, और लास्ट में अकेले सी कितने दिन किया? 3। तो कह देंगे टोटल कितने दिन हो गए? 2, 2, 4 और 3, 7। तो 7 डेज लगे टोटल और ये कार्य क्या हो गया आपका? फिनिश। ये तो है हमारा पहला मेथड जिसको आप समझ पाएंगे, एकदम ये बेसिक है और ये रखेंगे तो आपको हमेशा कार्य करेगा। कह देगा कोई कुछ दिन पे भी जाता है तो भी आप सॉल्व कर लेंगे। अब आ जाते हैं इसके सेकेंड मेथड पे। देखिए दोनों समझते रहे कि आप जो आपको अच्छा लगे आप उससे ऑप्ट करें और उसको तुरंत हल कर सकते हैं। देखिए इसको दूसरे मेथड पे, आंसर याद रखिएगा कि इतना ही उसमें भी आना चाहिए। 7 दिन है, ठीक है। देखिए ये आपका एलसीएम था 60, ठीक है। देखिए अब इसको हम क्या कह रहे हैं, मैंने कहा कि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, कोई बात नहीं करने दे, जो जब कार्य करके जा रहा है उसको जाने दीजिए, जो बचेगा उससे हम लोग लास्ट में पता कर लेंगे कितना दिन लगा। देखिए बोला है कि 2 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तीनों एक साथ शुरू किए, चलिए ठीक है। 2 दिन के बाद ए जाता है, तो आप खुद बताएं 2 दिन तक कौन कार्य किया? ए। हम ऐसे पता करते हैं एक एक लोगों का, ऐसे लिख लेते हैं। देखिए ए जो है वो कितने दिन कार्य किया? 2 दिन, ठीक। तो ए की एक दिन की क्षमता कितनी है? 6। तो 6 है तो 2 दिनों तक कार्य करके गया, तो यानी कितना वो कार्य कर लिया? 12। 12 करके वो चला गया, यहाँ तक ठीक है। उसके 2 दिन के बाद कौन जाता है? बी। तो आप खुद बताएं साथियों कि 2 दिन के बाद जब बी जाएगा, उसके 2 दिन बाद, यानी बी शुरू से लेके अब तक कितने दिन रहा? 4 ना, क्योंकि 2 दिन तक तो था ही। उसके 2 दिन के बाद बी गया, यानी अब टोटल वो कितने दिन कार्य किया अकेले? 4। तो बी की एक दिन की क्षमता कितनी है? 5। तो 5 चौके 20, यानी ये कितना कार्य किया है? 20। समझ पाए होंगे, ए अपने हिस्से का कार्य करके जा चुका है, बी 2 दिन और एक्स्ट्रा रहा, यानी 4 दिन में वो कितना कार्य किया? 20। अब बचा जितना वो सब किसने किया है? सी ने। और सी जितना लास्ट खत्म करेगा, तो वो तो शुरू से ही बना हुआ है, वो पूरे कार्य को फिनिश करेगा, तो उसके लिए इन्होंने कितना छोड़ा है? तो देखिए 12 और 20, तो हमें टोटल यूनिट करना था 60, इसमें से 12 करके ए जा चुका है, 20 कौन करके गया है? बी। तो 12 और 20 कितने हो गए? 12 और 20 हो गए आपके 32। समझ पा रहे हैं, 32 यूनिट कार्य हो चुका है, इसको हम हटा देंगे। तो देखिए 60 में से 32 को माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गया, ये कितना हुआ? 8। ये हो गया 5, 5 में से 3 गया, कितना हुआ? 2, यानी 28 कार्य करने हैं किसको? सी को। और सी एक दिन में कितना करता है? 4। तो 28 कितने दिनों में करेगा? तो आप कह सकते हैं कि सी 28 कार्य अपनी क्षमता के अनुसार 4 से करेगा, 4 × 7 = 28, कितना है? 7 दिन। ये डायरेक्ट आपका क्या जाएगा? आंसर। यानी जो जाता है उसको जाने दीजिए उसके हिस्से का कार्य करके, जो बचता है वो तो शुरू से लास्ट तक है, क्योंकि बोला है एक साथ शुरू किए हैं। सेकेंड मेथड में ये ध्यान रखिएगा, एक साथ शुरू करेंगे लेकिन हम इंडिविजुअली उनको हटाते जाएंगे, और जो शुरू से लेकर लास्ट तक है उसके हिस्से में जितना कार्य उसको देंगे वो कर देगा। यानी ये 28 था, इसने 4 के हिसाब से 7 दिनों में कार्य कर दिया, यानी ये 7 दिन में कंप्लीट। दोनों मेथड ठीक है, आप करेंगे तो इससे जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। अब इसी पे मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, आप अपने खुद से करेंगे। देखिए देखिए अब उसी पे मैंने बस डिजिट चेंज कर दिया, और इस दूसरे क्वेश्चन को आप देखिए और खुद से सॉल्व करिए। इसमें क्या है, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है जबकि बी 15 दिन में, तथा सी जो है वो कितने दिनों में पूरा करते हैं? 30 दिनों में। तीनों मिलकर एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, 3 दिन बाद ए काम छोड़कर जाता है, उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़कर जाता है, और शेष कार्य कौन करता है? सी के द्वारा पूरा कर दिया जाता है। आपको बताना है कि पूरा कार्य कितने दिनों में हुआ। अगर आप दोनों मेथड समझ पाए होंगे तो जल्दी मुझे लगता है सेकेंड वाले से लग रहा है, सेकेंड वाले से हम लोग तुरंत इसको करके आप आंसर बता सकते हैं। देखिए इसमें जैसे लिख लेते हैं, पहले ए 10 दिनों में, बी जो है आपका 15 दिनों में, और जो सी है वो है आपका 30 दिनों में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 10, 15, 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 30, ठीक है।
अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये आपका एक एक दिन का यूनिट आएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। यहाँ तक ठीक है, बोला तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, ठीक है कोई नहीं, इस पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें बस ध्यान ये देना है कि कौन काम छोड़ के भागा है। जो भागा है उसको जाने दीजिए, जो बचा है उसी से काम करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कार्य कब समाप्त हुआ। ये बहुत ही अच्छा मेथड है, आप इसको समझे। देखिए तीनों शुरू करते, सबसे पहले कौन भागा है, 3 दिन बाद ए भागा है, ठीक है। तो देखिए जो ए है वो 3 दिन के बाद भाग गया, यानी 3 दिनों तक वो कार्य किया, ए जो है 3 दिनों तक कार्य किया। तो इसने कितना कार्य किया पहले हम पता कर लेते हैं। तो ए की क्षमता कितनी है, 3, ए की क्षमता है 3 और वो 3 दिनों में कितना कार्य करेगा, 9, यानी उसने 9 काम किया और वो यहाँ से चला गया, ठीक है। फिर बोला है उसके बाद, उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़ के चला जाता है, उसके 3 दिन बाद, तो बी को कहेंगे तो अच्छा ये बताइए बी कितने दिनों तक कार्य किया, समझिएगा। तीनों 7 शुरू किए थे, हमने कहा जो पहले भगा हमने उसका कार्य निकाल लिया, इसके 3 दिन बाद भी गया, यानी बी जो है 3 दिन पहले था और 3 दिन बाद में, यानी कितने दिन कार्य किया टोटल, 6 दिन। तो हम कहेंगे बी ने 6 दिनों तक कार्य किया है, तो बी अपनी क्षमता के अनुसार कितना किया, बी की 1 दिन की क्षमता कितनी है, 2, तो 2 × 6 = 12, ठीक है। तो बी कितना हिस्सा करके गया है, 12 काम करके गया है। तो दोस्तों हमें टोटल करना है कितना, 30। तो आप कहेंगे कि देखिए 9 हो चुका था कार्य और 12 इसने कर दिए, तो 12 और 9 कितना हो गया, 21, यानी 21 काम तो हो चुका है। करना किसको है, सी को, क्योंकि ये बेचारा शुरू से लेके लास्ट तक बचा हुआ है हर सवाल में। तो इसके हिस्से में कितना कार्य है शेष, तो 30 - 21 कितना बचा, 9। ये जो कार्य करेगा ना ये सीधा बता देगा कि टोटल कार्य कितने दिनों में हुआ है। तो सी जो करेगा, देखिए यहाँ पे सी को कितना कार्य करना है, 9, और उसकी 1 दिन की क्षमता कितनी है, 1, तो 9 कार्य कितने दिनों में करेगा, 9 दिनों में। तो अब ये क्या हुआ, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया और टाइम भी नहीं लगा। अब बता सकते हैं कि हाँ पूरा कार्य कितने दिनों में ख़त्म हुआ, तो कहेंगे 9। क्यों, क्योंकि ए शुरू से लेके लास्ट तक है, तो अपने अपने हिस्से के वो करते हटते गए, लेकिन वो तो बचा रहा तो उनके साथ करते गया, लेकिन लास्ट में जितना है पूरा करके उसने फिनिश कर दिया। तो आप कहेंगे ये पूरा कार्य कितने दिनों में हो, 9। अगर आप हमारे पहले मेथड पे भी जाएंगे और अलग अलग पता करेंगे, फिर भी आपका आएगा आंसर यही, 3 दिन 3 दिन 6 दिन और लास्ट में जितना बचा होगा वो 3 दिन करेगा, 9 दिन ही आंसर आएगा। लेकिन इससे क्या हुआ कि आप तुरंत बता सकते हैं कि कितना हुआ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस मेथड को तो आप समझ गए हैं, अब इसी में हम कह सकते हैं अगला टाइप हो सकता है, चाहे यही क्या हो सकता है इसमें, ये कि कार्य एक साथ शुरू करते हैं, बारी बारी से कार्य को छोड़ते जाते हैं। लेकिन एक ये भी कंडीशन हो सकता है कि बोल देगा कि कार्य समाप्ति से, ये इसका सबसे अच्छा टाइप माना जाता है, कि कार्य समाप्ति से अगर कोई पीछे साइड से कह दे कि कार्य छोड़ के जा रहे हैं, अब बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो मैं उस पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और वहाँ पर हम लोग सारे मेथड को समझेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों अब इसी में हम मान लीजिए टाइप को थोड़ा सा चेंज करते हैं, जो इसका थोड़ा एक्सट्रीम लेवल है, मैंने कर दिया टाइप 7। इसमें क्या मैंने नियम बनाया कि कार्य समाप्ति से पूर्व अगर कोई कार्य छोड़ दे, अभी तक क्या था शुरुआत, अब मैंने कहा अगर कार्य समाप्ति की तरफ से लोग छोड़ना शुरू करें तो कार्य कैसे कंप्लीट होता है। ये अक्सर देखते हैं स्टूडेंट्स पेपर में, जब इसको सॉल्व करते हैं तो उन्हें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन दिया है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन में और 25 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं, दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। देखिए दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं और काम समाप्ति से, कार्य समाप्ति से 2 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है, काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। अब इसको ध्यान से समझना है, देखिए कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। इसमें ए जो है कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 20, और जो बी है वो कार्य कर रहा है कितने, 25 दिनों में, ठीक है। पहले तो हम लोग यूनिट बना लेते हैं, 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 100, यानी हमने मान लिया कि टोटल कितना कार्य करना है, 100, एक एक दिन का यूनिट बनाते हैं तो 20 × 25 = 100, यहाँ तक ठीक है। अब थोड़ा क्वेश्चन को देखिए, बोल क्या रहा है कि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, यानी कौन, ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं और इन्हें जाना कहाँ तक है, पूरे कार्य को ख़त्म करने, यानी कितना, 100 यूनिट, ठीक है। कह रहा है कि दोनों मिलकर आरंभ करते हैं लेकिन कार्य समाप्ति से, यानी जहाँ एंड होना है, कार्य समाप्ति से 2 दिन पहले बी छोड़ देता है,
2 दिन पहले। तो देखिए 2 दिन पहले कौन कार्य छोड़ देते हैं, बी, यानी लास्ट के 2 दिन अकेले कौन बचा होगा, ए, क्योंकि दो कार्य समाप्ति से 2 दिन पहले बी छोड़ा है तो बचा कौन है, ए, और कह रहा है कि कार्य समाप्त हो गया। तो बताइए आखिर टोटल कितना दिन लगा, यानी आपको भी पता है कि लास्ट का 2 दिन तो आपके पास है, शुरू में ये लोग कितना दिन किए थे यही हमें पता करना है, क्योंकि यहाँ वाला डेज पता चल गया तो इसमें 2 दिन जोड़ के हम बता देंगे पूरा कितने दिनों में हुआ, ठीक है। देखिए इसको आप ऐसे हल करेंगे, जब समाप्ति से कहा है तो हम भी इसी साइड से शुरू करेंगे, क्या लास्ट के 2 दिन ए अकेले कार्य किया है, तो ए 2 दिन करेगा तो अपनी क्षमता के अनुसार ही करेगा, ए की क्षमता कितनी है 5, तो 2 दिन में वो कितना कार्य किया होगा, 10, 2 × 5 = 10, यानी 10 कार्य लास्ट के 2 दिन में कौन किया है, ए, और कह रहा है कि कार्य समाप्त हो चुका है, यानी कितना कार्य हो चुका है, 100, तो आप खुद बताएं 100 हुआ है पूरा, यानी 10 लास्ट में किया, इसका मतलब 90 कार्य पहले हुआ होगा, तभी तो ये यहाँ पे आके 100 हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि 10 कार्य जो लास्ट में इसने किया है समाप्ति से पहले, तो शेष कार्य पहले हुआ है, यानी 100 में से 10 को हम क्या कर देंगे, माइनस, यानी कितना, 90, आप कह सकते हैं कि 90 कार्य पहले हुआ है, किसके द्वारा, ए और बी के द्वारा। तो पता कर लेते हैं कितना दिन इन्होंने 7 कार्य किया था, तो देखिए ए और बी एक साथ आएंगे तो 5 और 4 कितना हुआ, 9, तो जब दोनों मिलते हैं तो 9 कार्य करते हैं, तो 90 कार्य कितने दिनों में, देखेंगे 90 / 9 काट देंगे कितना दिन, 10 दिन, यानी पूरा क्या हुआ, शुरू के 10 दिन तक दोनों साथ थे, बी जब छोड़ा था तो उसके पहले ए बचा जो है उसने कितने दिन किया था, 2 दिन, तो 10 दिन यहाँ पे हुआ है पहले और 2 दिन लास्ट का, टोटल कितना हो गया, तो आप लिख सकते हैं 10 + 2 = 12, यानी वो कार्य कितने दिन में ख़त्म हुआ है, 12। कार्य समाप्ति का कभी भी कहे तो आपको ऐसे ही करना है, दोनों मिलकर शुरू किए तो ठीक है a + b, समाप्ति से 2 दिन पहले b चला गया तो बचा कौन, a, तो a का 2 दिन का पता कर लिया हमने कितना आया, 10, और पूरा कार्य हो जाता है यानी कितना, 100, यानी 100 में से 10 यहाँ हुआ है तो 90 पहले हुआ होगा, और 90 पहले हुआ किसके द्वारा, दोनों के द्वारा, तो 5 × 4 = 9, 9 से किया 10 दिन, यानी 10 दिन तक यहाँ कार्य चला है, 2 दिन तक यहाँ, तो 10 × 2 = 12 दिन में पूरा कार्य, और 90 + 10 = 100। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब देखिए दोस्तों, अब बात ये कि एक और मेथड ले लेते हैं, जैसे मैंने हर सवाल में आपको 2 बताए हैं, कि एक हम लोग ऐसा आते हैं जहाँ पे आपको इतना ना लिखना पड़े, थोड़ा उसे भी एक बार ध्यान से देखेंगे। देखिए इसमें क्या है, इस मेथड में ये है, जैसे कि अभी तक हम लोग सॉल्व कर रहे थे पहले, इसमें एक चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है, ये समझ जाएंगे तो हम इसके क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे और कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। इसने कहा है कि दोनों मिलकर शुरू करते हैं, ठीक है, पहले मेथड में क्या था, जो छोड़ के जाता था उसके कार्य को हम लोग हटा लेते थे, लेकिन ये कार्य समाप्ति से पहले कोई छोड़ के जाएगा तो ये नाइंसाफी है, यानी समझिए क्या कह रहा हूँ, कह रहा है कि 2 दिन पहले बी काम छोड़ के चला जाता है, आप कहेंगे छोड़ के आपको नहीं जाना है, आप भी हमारे साथ तक लास्ट तक बने रहेंगे, तो अगर 2 दिन वो और बना रहेगा लास्ट तक तो 2 दिन एक्स्ट्रा कार्य करेगा, तो यानी टोटल काम में 2 दिन का काम और बढ़ जाएगा, और फिर दोनों से एक ही साथ करा देंगे, पता चल जाएगा टोटल काम कितना है, समझ पाए होंगे। देखिए ये दोनों का एक एक दिन का, तो यहाँ तक आपका ठीक था। उसने कहा दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, कौन, a + b, यहाँ तक ठीक है। फिर इसने बोला कि काम समाप्ति से 2 दिन पहले बी चला गया, मैं कहता हूँ जो जा रहा है उसको जाने मत दीजिए, कहीं आप रुकिए, भले थोड़ा आप तुम्हारे होने से काम और बढ़ जाएगा, तो हम लोग बढ़ा हुआ काम ही पता कर लेंगे। देखिए क्या अगर 2 दिन तक बी और रुक गया होता, नहीं गया होता, तो फिर वो अपने क्षमता के हिसाब से ज़्यादा काम किया होता ना, कितना, तो 2 दिन तक अगर बी रुका होता तो 2 दिन तक बी अपनी क्षमता, यानी 4 × 4 = 8, यानी 8 काम वो और किया होता, तो हम ऐसा कहते हैं कि अगर ये रुका होता तो 8 काम और करता, तो क्यों नहीं इसके 8 काम को हम 100 में जोड़ दें, 100 + 8 कितना हो गया, 108, यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर वो छोड़ के नहीं गया होता तो, और वो साथ दिया होता तो पूरा काम तो होता ही, 8 काम और एक्स्ट्रा बढ़े, यानी टोटल कितना काम होता, 108, लेकिन 108 किसको करना होता, दोनों को, उसने कहा मैं साथ नहीं छोड़ने दूंगा, तो दोनों एक साथ रहे होते तो कितना हो जाता, एक साथ दोनों मिलते तो 9, और करना कितना होता है, 108, क्योंकि छोड़ के जो गया था उसको भी रोक लिए हैं तो एक्स्ट्रा काम तो हो ही जाएगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 108, और हमें ये भी पूरा हो जाएगा। तो देखिए जब दोनों रुके रहेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 108 काम, और एक साथ हैं तो कितना करते हैं, 9, देखिए कैलकुलेशन, 9 × 9 = 18, काम कितने दिन में ख़त्म हो गया, 12 दिन में,
आपका तुरंत ही हल हो गया। इसका फायदा कब है? जब दो ही नहीं तीन लोग हो जाएं, चार लोग हो जाएं, फिर भी आपको आसानी हो जाएगी। यानी ध्यान रखना है कि कोई भी कार्य समाप्ति से पहले छोड़ के जा रहा है उसको जाने नहीं देना है, उसको रोक के रखना है। उसको रोक के रखिए और जितने दिन पहले छोड़ के जा रहा था उतना काम बढ़ा लीजिए, तो आपका रेंज पूरा मिल गया और एक साथ मिलकर सबसे करा दिए, काम उतना ही आपका होगा। ठीक है, मैं इस पर एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, देखिए तुरंत आप इसको हल कर लेंगे। देखिए इसको बस डिजिट में बदल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देते रहिएगा आप लोग, और सेकेंड मेथड पर ही हल करूँगा। देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर जो 20 दिन है इसके जगह पर मैं लिख देता हूँ 18, और ये 25 दिन जो है इसके जगह पर हमने ले लिया मान लीजिए 24। ठीक है, 18 दिन और बी उसको 24 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों कार्य प्रारंभ करते हैं और कार्य समाप्ति से दो दिन पहले ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 दिन पहले। ठीक, कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले बी को भी बदल देते हैं, ए कर देते हैं, ए काम छोड़ कर देता है, तो बताइए पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। देखिए इसको, ए और बी 18-24 है, शुरुआत करते हैं साथ में, समाप्ति से 3 दिन पहले कौन भागता है? इस बार ए भागता है, तो कहा कि बताइए काम पूरा कितने दिनों में होगा। देखिए दोस्तों इसको हम डायरेक्ट आते हैं, ए 18, बी कितने दिनों में? 24। यहां तक तो नहीं दिक्कत होनी चाहिए, 18 और 24 एलसीएम आपका कितना हो गया? 72। हाँ ठीक है, 72 हुआ, तो एक एक दिन का यूनिट पता करते हैं, 18 चौके 72, ये 4 हो गया, ये 24 3 हुआ। ठीक है, 3 यूनिट। अब मैंने कहा दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं और 3 दिन पहले कौन भागता है? ए। मैंने कहा नहीं भागना है, आपको रुकना है, तो अगर 3 दिन तक ए को और रोक दिया जाए, किसको? ए को, तो फिर वो अधिक काम करेगा, तो कितना अधिक करेगा? 3 दिन तक उसकी क्षमता कितनी है? 4, तो 3 चौके 12, 12 एक्स्ट्रा काम इसमें हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि जब साथ रहेगा तो उसके हिस्से का थोड़ा बढ़ा के ले लिया, हमारा तो 72 होगा ही, तो आप क्या कह सकते हैं? अब टोटल कार्य, कुल कार्य कितना हो गया? कुल कार्य हो गया आपका 72 प्लस 12, कितने हो गए ये? 2 2 4 7 1 8 84, और साथ दिया है दोनों ने, तो साथ मिलके तो ए प्लस बी कितने दिनों में करेंगे? तो कहेंगे दोनों एक साथ मिल जाएंगे, तो 84 कार्य कितने दिनों में? 4 3 7, तो 7 क्या करेंगे? बटे में रख देंगे, क्योंकि दोनों एक साथ ही 84 कार्य को करेंगे, कौन? ए प्लस बी, क्योंकि उसने बोला हुआ है दोनों मिलकर आराम करते हैं। ठीक है, तो देखिए 7 1 7 2 9 14 12 दिन, 12 दिनों में कार्य खत्म हो गया। यानी अब आपको कोई समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि इस कार्य समाप्ति से पहले कोई जाएगा हम उसे जाने नहीं देंगे, उसको रोकेंगे, जितने दिन पहले भागेगा उतने दिन का और काम बढ़ा लेंगे, कि तुम भी साथ रहो हम भी साथ रहे, दोनों मिलकर ही कार्य को क्या कर देंगे? कंप्लीट। उम्मीद है आप एकदम इस मेथड को समझ पाए होंगे। इसमें मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूँ और एक क्वेश्चन आपको फाइनली देता हूँ, जिसमें 3 लोग रहेंगे और वो भी भागने की कोशिश करेंगे, और हम क्या करेंगे? तीनों को रोक के रखेंगे और काम फिनिश करेंगे। ठीक है, देखिए देखिए, अब एक क्वेश्चन मैंने उसी पे दे दिया आपको, भी इसमें 3 लोग एक साथ आ गए और कार्य समाप्ति वाला ही नियम है। जैसे इसमें क्या है, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 30 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं और काम समाप्ति से, देखिए ध्यान से, 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है और काम समाप्ति से 7 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। अब बताइए पूरा काम कितने दिनों में होगा? मैंने आपको क्या नियम बताया, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, काम खत्म होने से पहले जो लोग छोड़ेंगे उन्हें हम रोकेंगे और जितना दिन पहले छोड़ना चाहेंगे उनको उतने दिन का और काम दे देंगे, कि लास्ट तक सभी लोग बने रहेंगे और काम जो अतिरिक्त बढ़ेगा उनके रुकने से डायरेक्ट तीनों से भाग दे देंगे, कार्य कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ध्यान से इस मेथड को समझ रहे हैं तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। 10, बी का क्या है 12 और सी का क्या है 30। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं, 10, 12 और 30 का एलसीएम अगर आप लेंगे तो आपके लिए एलसीएम हो जाएगा 60, यानी टोटल 60 यूनिट कार्य करना है। ये हो गया 10 6 60, 12 25 60 और 30 2 9 60, ये यहाँ तक ठीक है। अब हम कोई नियम नहीं लगाएंगे, बस सीधा जो मैंने आपको बताया कि छोड़ने से पहले अगर कोई भागेगा उसको और अलग काम दे देंगे कि तुम भी साथ बने रहो। देखिए क्या है, सबसे पहले कौन भागता है? 3 दिन पहले बी भागता है, तो हम 3 दिन पहले जो बी भागता था 3 दिन और काम किसको दे देंगे? बी को।
तो 3 दिन कहेंगे तुम और रुक जाओ जो भाग रहे थे ख़त्म होने से पहले, तो जब वो रुकेगा तो उसके लिए और काम बढ़ा दीजिए। तो एक दिन की 3 बी का क्या क्षमता है 6 सॉरी बी का क्या है 1 दिन का 5, तो 3 दिन में कितना करेगा 5 के हिसाब से 15 कार्य, यानी 15 कार्य और बढ़ा दिया गया, ठीक है। इसके बाद एक जने और हैं, इसमें कौन है वो ए, जो 7 दिन पहले भाग रहे थे, हम कहेंगे आपको 7 दिन तक इनको भी और रोक लेते हैं, तो फिर उसके लिए उसके हिसाब से काम बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए ये हो गया यहाँ से 15 बढ़ा, ठीक है। अब ए जो है 7 दिन पहले जा रहा था, 7 दिन पहले कौन भाग रहा था ए, तो 7 दिन तक ए के लिए और कार्य जोड़ देते हैं, ए की क्षमता कितनी है 6, तो 7 दिन में इसके लिए कितना बढ़े 7×6=42, यानी हम कह सकते हैं कि 15 कार्य और बढ़ा दिया जाए और 42 और बढ़ा दिया जाए, तो हमारा टोटल जो 60 है वो तो रहेगा, ये जोड़ देंगे तो तीनों लोगों के लिए बच जाएगा काम, और एक साथ जो ख़त्म करेंगे वो नियम यही होगा पूरा, ठीक है। तो देखिए टोटल काम अब कितना हो गया, 60 तो था ही इन दोनों के रुकने से, 15 और 42 और इसमें ऐड कर देते हैं, 15+42 जोड़ देते हैं, तो देखिए 5, 2, 7 6, 4, 10 और 1, 11, यानी हमें टोटल कितना कार्य करना है 117। कई लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न होगा कि सर 60 काम है फिर 117 आप क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए हो रहा है कि जब भी रोकेंगे किसी को तो उसके हिस्से के लिए थोड़ा कार्य दे देते हैं, क्योंकि हमारा 60 उसमें ऑलरेडी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। यानी कुल मिला के तीनों एक साथ जो शुरू किए थे उनको 117 काम करना है। तो अब देखिए 117 कार्य करना है किसको, तीनों को, A+B+C, क्योंकि कोई भागा नहीं है अब, तो तीनों अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। तो इनकी क्षमता कितनी है 6 और 5 11 और 2 13, तो हम कह सकते हैं कि 117 कार्य तीनों मिलेंगे तो उनकी यूनिट कितनी होगी 13 9 117। आप सीधा बता सकते हैं ये कार्य कितने दिनों में हो जाएगा 9 दिनों में। उम्मीद है दोस्तों आपको ये ट्रिक बिल्कुल पसंद आया होगा और ये बहुत ही आसान है, बस यही ध्यान रखना है भागने नहीं देना है किसी को, कार्य कराना है और पूरा कार्य आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें मैं एक लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ जिसमें दोनों आज की जो शर्तें एक साथ, एक शुरू में भागने की कोशिश करेगा और एक लास्ट से, तो शुरू वाला कैसे करते हो लास्ट वाला देखते हैं उस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों अब आज की क्लास के हम सबसे लास्ट यूनिट पे आते हैं, क्योंकि ये जो मेरा टाइप है टाइप 8 जो अर्थ है इसमें, देखिए इसमें क्या है कि अभी तक जितना क्वेश्चन लगाए हैं उन सब की दो शर्तें एक साथ आ रही हैं, कह सकते हैं कि आज की क्लास का सबसे टफ। ये जरूरी नहीं कि सबको समझ ही आ जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी समझ पाएं, क्योंकि इसमें दो शर्तें एक साथ है, यहाँ सारे रूल एक साथ काम करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए बी तथा सी क्रमशः 20, 30 और 45 दिन में अलग अलग किसी कार्य को समाप्त कर सकते हैं, तीनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, काम प्रारंभ होने के 5 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। देखिए एक कार्य शुरू होने के 5 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, जबकि काम समाप्ति से 5 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो बताइए पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ये जो भी क्वेश्चन लगा लेगा ये बहुत बड़ी बात है कि उनका लेवल काफ़ी अच्छा माना जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, दोनों कंडीशन, एक कार्य छोड़ रहा है शुरुआत से और एक काम समाप्ति से पहले का है। यहाँ मैं आपको एकदम एक नियम बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान रखिएगा, हर एक क्वेश्चन पे काम करेगा। अगर शुरू से कोई कार्य कर रहा है शुरुआत से और वो कार्य छोड़ रहा है, तो हम कहेंगे कि वो जो कार्य करके जाना चाहता है वो जाए, लेकिन काम समाप्ति से पहले, जैसे कि पिछला टाइम में मैंने बताया था, समाप्ति से पहले अगर कोई छोड़ेगा तो उसको आप नहीं जाने देंगे, उसको रोक के रखेंगे कि कार्य को आपको पूरा कराना है, लेकिन जितना बचा होगा वो। तो देखिए इसमें हम लोग कैसे करेंगे, पहले यूनिट बना लेते हैं, ए 20 दिन में, जो बी है वो आपका है 30 दिन और जो सी है वो है आपका 45। अब यहाँ पर क्या करते हैं, पहले ये नोट कर लेते हैं एलसीएम, इसका एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 180, यानी 180 यूनिट टोटल कार्य है, इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 30×180 और इसका हो जाएगा 45×180, ठीक है यहाँ तक तो ठीक है। अब दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जो कार्य छोड़ के जा रहा है शुरुआत में उसको आप जाने देंगे, मतलब कह रहा है कि काम प्रारंभ होता है तीनों शुरू करते हैं, 5 दिन बाद ए छोड़कर चला जाता है, तो देखिए अगर ए जो है वो 5 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है तो ए अपने हिस्से का करेगा कितना 9 के हिसाब से, तो 9 के हिसाब से करेगा तो 5 दिन में कितना करेगा 9×45, 45 कार्य अपना करके वो जा चुका है, जो ये पहले टाइप में मैंने बताया था आज का। तो जो जा रहा है 45, तो 45 कार्य करके चला गया, उसको हम क्या कहेंगे माइनस, ठीक है।
लेकिन दूसरा नियम यहाँ ध्यान देना है, एक 5 दिन पहले भी जाना चाहता है, क्योंकि अब बी के साथ सी ही बचे हैं, दो ही लोग हैं, ए तो जा चुका है 45 कार्य छोड़ के, तो आप कहेंगे टोटल देखिए 180 है, ठीक है, अब 180 कार्य था, 45 कार्य करके ए जा चुका है, तो ये आपके पास कितना कार्य बचा, तो देखिए 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका 5, 7 में से 4 गया ये हो गया आपका 3 और 1, यानी 135 यूनिट कार्य आपको है बचा करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, अब कह रहा है कि कार्य समाप्ति से यानी जो फिनिश होने वाला था उससे 5 दिन पहले बी काम छोड़ के चला गया है, तो बी अगर काम छोड़ के गया है तो हम कहेंगे नहीं तुमको रुकना होगा, जैसे मैंने बोला था जो कार्य समाप्ति से पहले जाना चाहेगा उसको रोकेंगे आप, तो अगर रोकेंगे उसको तो देखिए बी को अगर आप रोकते हैं कितने दिन, 5 दिन पहले, तो 5 दिन के लिए अगर उसको रोकते हैं तो 5 दिन का उसका कार्य आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो 5 दिन का कार्य अगर रोकेंगे उसके बी का, तो बी का 1 दिन का अगर 5 देखेंगे कितना है, सॉरी 6, तो 5 दिनों में कितना करेगा वो 30, यानी 30 कार्य और बढ़ा ले रहे, उसको रोकने का मतलब 30 आप और बढ़ा लेते हैं, यानी फाइनली आपको कुल कार्य कितना आप करना है, देखिए 135 तक यहाँ बचा था और 30 और जोड़ देंगे उसमें, तो ये आपका हो गया 135 प्लस 30 कितना हो गया 165, यानी फाइनली आपको 165 कार्य करना है, और किन के साथ, ए जा चुका है, बचे कौन थे, बी और सी, क्योंकि ये जाने से इसको रोका है, तो बी और सी मिल जाएंगे तो कितना कार्य करेंगे 10, और उनको करना कितना है 165, तो कह देंगे यहाँ पे देखिए बी और सी कार्य समाप्त करेंगे तो 165 कार्य को जब वो साथ करेंगे तो 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 से कैलकुलेशन कर दीजिए तो 10 एकम 10 हो गया, बचा कितना 6, 65 10 छके 60, बचा 5, 5 बटे में 10, यानी इसको लिख सकते हैं 16 से ही 1/2 दिन, ये पूरा कार्य कितने दिनों में फिनिश होगा, 16 से 1/2 दिनों में। आपने घबराना नहीं है, देखिए क्योंकि मैं लेवल के भी क्वेश्चन को ले रहा हूँ, जैसे जैसे आप एग्ज़ाम में ऊपर जाएंगे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। कुल मिला के आपको समझ क्या आया, वो ये कि अगर दो शर्तें एक साथ दी हों तो शुरू से जब कार्य शुरू करेंगे तो जो पहले जाना चाहेगा अपने कार्य को करके उसको आप जाने देंगे, तो टोटल में से 5 दिन बाद ए गया तो 45 कार्य हटा लिया तो 135 था करने के लिए। अब क्या था कि जो कार्य समाप्ति से पहले जाएगा बस उसको आपको रोकना है, तो कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले जा रहा था कौन, बी, तो बी को हमने क्या किया 5 दिन के लिए रोक दिया, तो बी की क्षमता थी 6, तो 6 × 5 = 30, 30 कार्य और आपने बढ़ा लिया, तो 135 में 30 जोड़ा क्या हो गया 165, यानी 165 कार्य कौन करेगा, बी और सी, क्योंकि इसको रोका है और ये तो था ही, तो 6 × 4 = 10, 165/10 आया 16 से 1/2, आंसर फ्रैक्शन का भी भिन्न का भी हो गया, सारे नियम भी हो गए और आपको समझ भी आया होगा। आज की क्लास आपको मुझे लगता है काफ़ी हद तक समझ आई होगी और ये आपको बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मदद करेगी। तो लास्टली मैं आपसे ये कहूँगा आप इसका ध्यान रखिएगा कि शुरू से कोई कार्य करके जाता है तो उसको एक कार्य को माइनस करते हैं, ठीक है, लेकिन अंत से कोई जानना चाहता है तो उसके रोक के उसके कार्य को बढ़ा लेते हैं और फिर क्वेश्चन क्या करते हैं, हल कर देते हैं। आप इस वीडियो को जरूर 1 से 2 बार देखिएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और फाइनली आपसे हम ये उम्मीद करते हैं कि आप दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, जिससे हम आगे और भी वीडियो आपके लिए बनाते रहें, ठीक है दोस्तों, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।